हाय गाइस, अगर आप सही तरीके से वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हो और बिगिनर लेवल ट्राइपॉड ढूंढ रहे हो तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। मेरा नाम है हेमंत बत्रा और आप देख रहे हैं बत्रा जी टेक। अगर आप एक बिगिनर लेवल यूजर हैं और सस्ता सुंदर टिकाऊ ट्राइपॉड ढूंढ रहे हैं पर आपका बजट 500 रुपये के राउंड है, तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि अपना बजट थोड़ा बढ़ाकर 1000 रुपये के करीब कर लीजिए। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि जो टोटली एंट्री लेवल ट्राइपॉड होते हैं वो काफ़ी हल्के क्वालिटी के होते हैं और उनके पुर्जे भी काफ़ी हिलते डुलते हैं। तो भाई, अगर आप अपना बजट थोड़ा बढ़ा सकते हैं तो बहुत बेहतर होगा आपके लिए। अब बात करते हैं कोडेक के इस ट्राईपोड की, जिसका मॉडल है T210 और ये मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है। बात करें इसके प्राइस की, तो इसका प्राइस 1500 के अराउंड ऊपर नीचे होता रहता है। मुझे एक्चुअली इस बजट रेंज में कन्फ्यूजन Amazon बेसिक 60-inch ट्राईपोड और इस कोडेक T210 में थी। देन फाइनली मैंने ये ऑर्डर किया। बाकी मैंने Amazon बेसिक 60-inch ट्राईपोड के बारे में पॉजिटिव ही सुना है और आप उसे भी कंसीडर कर सकते हैं इस रेंज में। तो ये इस ट्राईपोड का बॉक्स है जिसमें की स्पेसिफिकेशन दे रखी है, जिसे आप पॉज करके देख सकते हैं। फिर भी मैं मेंशन कर देता हूँ कि इसमें हाइट दे रखी है, 3-way पेन मूवमेंट, 3-section सपोर्ट, स्मार्टफोन होल्डर इसके साथ आता है, ये चीज़ें मेंशन कर रखी हैं। और इसका वेट कितना है, इसका वेट लगभग 1 kg का है, जो कि ज़्यादा हैवी फील नहीं होता। और ये कितना वेट सपोर्ट कर सकता है और क्या क्या और अदर फीचर्स हैं वो सारे मेंशन किए हुए हैं इस बॉक्स में। तो कोडेक का ये ट्राईपोड इस कैरी केस में आता है। इस कैरी केस की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और एक ट्राईपोड के साथ ट्रैवल करने के लिए एक अच्छा कैरी बैग होना बहुत ज़रूरी है। तो आपके सामने है ये ट्राईपोड और इसके साथ एक मोबाइल होल्डर भी मिलता है जिसमें आप अपना मोबाइल लगा कर भी शूट कर सकते हैं। फिलहाल ये ट्राईपोड की हाइट है बिना एक्सटेंड किए और ये आपको ट्राईपोड का टॉप सेक्शन दिख रहा है जिसमें DSLR या मोबाइल लगाकर शूट करते हैं। पहली नज़र में बिल्ड क्वालिटी अगर कंपेयर करें एंट्री लेवल ट्राईपोड से तो ये काफ़ी अच्छी है और इस हिसाब से उम्मीद है मुझे काफ़ी ड्यूरेबल रहेगा। बाकी तो लॉन्ग टर्म यूसेज और हम चीज़ों को कैसे यूज़ करते हैं उस पर डिपेंड करता है। जो बॉटम में नॉब दे रखा है आप इसे घुमाकर लॉक कर सकते हैं और वापस घुमाकर अनलॉक कर सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने अभी इसे लॉक करा तो इस तरह से ये हिलेगा नहीं, और इसे वापस अनलॉक करके दिखाते हैं किस तरह से ये बंद हो जाएगा। तो ये वापस इसे अनलॉक किया और अनलॉक करने पे ऊपर की तरफ करते ही बंद हो जाता है। तो ये मैंने ऊपर की तरफ कर दिया उसे और इसे इस तरह से हम बंद करते हैं और वापस नीचे की तरफ करके जब हम शूट कर रहे हैं तो इसे वापस नीचे की तरफ करके घुमा कर लॉक कर दें। बात करते हैं इसके लेग्स के लॉक की, जिसे अनलॉक करके आप इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। ऑलरेडी हमने फीचर्स में देखा कि ये 3-section सपोर्ट के साथ आता है। इसका ऑलरेडी 1 section तो आपको दिख रहा है। अब सबसे नीचे वाला लॉक खोलकर हम इसका 1 section और खोलेंगे और इस तरह से ये लॉक्स खोलकर आप इसे एक्सटेंड करते हैं। तो हमने 1 section और खोल दिया और इसे वापस बंद कर दीजिए। तो इस तरह से ये तीनों लेग्स को बंद कर दीजिए और इतनी ये हाइट आती है एक और सेक्शन खोलने के बाद। तो इसके बाद वापस हम एक और सेक्शन खोलकर दिखाएंगे। तो ये एक और सेक्शन खोलने पर, जो कि 3rd section है, इस तरह से आप एक्सटेंड कर सकते हैं इतना। तो ये इतनी एक्सटेंड हो जाता है और वापस इसे लॉक कर दीजिए ताकि ये बंद ना हो। तो इसे तीनों लेग्स को लॉक कर दिया। तो अब इसकी इतनी हाइट आती है 3 section खुलने के बाद। तो आप देख सकते हैं एक 5'10" के आदमी की कितनी हाइट पे आता है ये। और इसके बाद भी ये इसमें ये हैंडल दिया हुआ है जिसे हम खोलेंगे। इस हैंडल के थ्रू इसे खोल सकते हैं। सबसे पहले इसका नेक वाला नोब ओपन करेंगे जिसके थ्रू ये लॉक लग जाता है इसके नेक पे और इस तरह से ये एक्सटेंड होता है। देखिए, इससे घुमाइए और ये इतना एक्सटेंड हो जाता है
और ये सबसे मैक्सिमम हाइट है, और इसी हैंडल को वापस घुमाकर बंद कर सकते हैं इसे। तो इसे दोबारा घुमा के वापस एक्सटेंड करते हैं इसकी नेक को, तो इस तरह से ये फुल एक्सटेंड हो जाता है। तो ये आखिरी एक्सटेंड होगा, इसके बाद ये फुल हाइट होती है। और ये मैंने इसके नेक का लॉक लगा दिया है ताकि ये वापस बंद ना हो। अब इसे वापस नेक के लॉक को अनलॉक करके दिखाते हैं किस तरह से फिर वापस बंद होता है ये। और अब इसके बाद अगर नज़र डालें इसके बॉटम में, तो बॉटम में ये रबर ग्रिप वाले सरफेस पे फुटर दे रखे हैं जो अच्छी पकड़ बनाते हैं सरफेस पे। और ये देखिए इस तरह से ये सही पोजीशन में रहते हैं तीनों साइड से। ये यहाँ हुक दे रखा है जिसमें आप तेज़ हवा होने पर इस ट्राईपोड में वेट टांग सकते हैं जिससे ये हिले ना। और इसके अलावा वेट टांगने पर ये फायदा होता है कि आप इसे मोनोपोड की तरह यूज़ कर सकते हैं ताकि आपके हैंड शेकी ना रहें। इसके अलावा ट्राईपोड के लेग के टॉप में ये फोम की ग्रिप दे रखी है जिससे आप इसे अच्छी तरह से होल्ड कर सकते हैं, जो कि कोडेक वालों ने अच्छा फीचर ऐड किया है इस ट्राईपोड में ताकि आपको इसे ग्रिप करने में आसानी हो। इसके अलावा ट्राईपोड में कोडेक वालों ने दो बबल लेवल इंडिकेटर भी दे रखे हैं, एक सरफेस वाला जो पता लगाता है कि ये लेवल पे है कहीं नहीं, और दूसरा ऊपर मोबाइल वाला है जो मोबाइल प्रॉपर सेट है कि नहीं। और इसके अलावा ये यहाँ पर एक नोब दे रखा है जिसे अनलॉक करके आप इसे राइट लेफ्ट कर सकते हैं और इसे पूरा चारों ओर भी घुमा सकते हैं। और इसके अलावा आप इसे लॉक कर देते हैं, और ये जो हैंडल दे रखा है इससे घुमाकर आप अनलॉक कर सकते हैं और ऊपर नीचे कर सकते हैं और वापस इसे लॉक कर सकते हैं। देखिए ऊपर नीचे हो रहा है, और इस तरह से ऊपर नीचे करके शॉट ले सकते हैं। इसे वापस लॉक कर दीजिए, अभी लॉक हो जाएगा अपने आप मूवमेंट सेट करने के बाद। और अभी ये लॉक हो गया है, और ये ऊपर की तरफ नॉब दिया हुआ ऊपर की तरफ जिसका यूज़ करके इसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वे में शूट कर सकते हैं, और इसे वापस लॉक कर देते हैं। और ये टॉप में ये इसका माउंट है जिसे निकालते हैं, इसी के ऊपर हम DSLR लगाते हैं, इसी के ऊपर मोबाइल माउंट लगाते हैं जहाँ पर आप मोबाइल लगाकर इसे शूट कर सकते हैं। इस तरह से इसे लॉक करते हैं और अनलॉक करते हैं। चलिए इसे दोबारा बाहर निकालते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरह से ये लॉक होता है, किस तरह से इसमें DSLR लगाते हैं, किस तरह से इसमें मोबाइल होल्डर लगाकर मोबाइल लगा के शूट करते हैं। तो इस तरह से इसे बाहर निकालते हैं और इस मोबाइल होल्डर को इस तरह से ऊपर की तरफ घुमाते हैं और पूरी तरह से टाइट कर देते हैं। जब तक ये पूरा टाइट नहीं होता तब तक इसे घुमाते रहें, और जब ये पूरा टाइट हो जाए तो वापस इस माउंट को लगा दीजिए। तो ये नीचे से इसको एक बार ये ऐसे कर दीजिए, नहीं तो ये अड़ेगा, तो वापस इस लॉक कर दीजिए। और बात करें इसके मैक्सिमम सपोर्ट की, अगर आप DSLR लगाएंगे तो 3.5 kg तक का ये मैक्सिमम सपोर्ट कर जाता है, और मोबाइल तो वैसे ही हल्के होते हैं, तो ये मोबाइल होल्डर लगाकर आप इसे सेट कर सकते हैं और वापस इसे खोल के दिखा सकते हैं मोबाइल होल्डर को। तो इस तरह से आप इस मोबाइल होल्डर को वापस खोल सकते हैं जब आपको DSLR लगाना हो, अदरवाइज आपको जरूरत नहीं है, तो ऐसे कैसे लगे रहने दीजिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया, DSLR 3.5 kg तक का ये सपोर्ट कर जाता है, और बिल्ड क्वालिटी में ये ट्राईपोड मुझे अच्छा लगा है एंट्री लेवल के हिसाब से, जिस बजट में ये आता है। और इस तरह के आप शॉट भी ले सकते हैं इसमें, और इस तरह से इसे वापस लगा सकते हैं। और हम बात करें इसके बाद थ्री वे पेन मूवमेंट की, ये थ्री वे पेन मूवमेंट कैसा होता है वो करके दिखाता हूँ। ये मैंने मोबाइल लगा दिया है, तो अब इस तरह से आप इसे एक बार नॉब खोल के इसे ढीला कर दीजिए, राइट लेफ्ट हो जाता है। नॉब दिक का ध्यान रखिए कि अब ये ऊपर की तरफ होता है और नीचे की तरफ होता है। ये सेकंड वे पेन मूवमेंट हो गया, लेफ्ट राइट वन, ऊपर नीचे सेकंड। और इसके बाद पोर्ट्रेट शॉट के लिए ऐसे कर सकते हैं, तो ये थ्री वे पेन मूवमेंट हो गया। इस तरह से इसे शॉट ले सकते हैं। तो देखिए टिकटॉक टाइप के शॉट, टिकटॉक तो खैर बंद हो गया, और दूसरी ऐप आ गई है जो इस तरह के वर्टिकल शॉट ले सकती हैं, तो आप उस ऐप में इस तरह से मोबाइल सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और अब बात करें इस ट्राईपोड की हाइट की, तो इसकी 5 फुट 4 इंच की लगभग हाइट है, और मेरे फ्रेंड की हाइट 5 फुट 10 इंच की है। तो आप देख सकते हैं इसकी हाइट कितनी है। और आपको अगर इस ट्राईपोड से रिलेटेड कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में इस ट्राईपोड के लिंक दे दी है, आप जाके इसे खरीद भी सकते हैं। ऑलरेडी एंट्री लेवल के हिसाब से मैं इसके बिल्ड क्वालिटी और फीचर्स के बारे में बात कर चुका हूँ। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में इस रेंज के हिसाब से मैं ट्राईपोड
की लिंक डाल दूंगा, उससे भी आप कंसीडर कर सकते हैं। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग बत्रा जी टेक, कीप सपोर्टिंग अस।